एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से स्टार्ट हो रहा है मेरा एक फुल फ्लेज्ड ट्रिप बहुत दिनों बाद से, क्योंकि अब क्या बोलते हैं देश में थोड़ी बहुत ओपनिंग भी हो रही है, ट्रैवल एंड टूरिज्म भी धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो मैंने सोचा दिस विल बी द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर सम अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। तो अभी मैं हूँ बस में, तो मैं अभी बस से जाऊँगा रांची, मुझे पकड़ना है फ्लाइट फॉर दिल्ली। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस में मैं दिखाऊंगा कि प्री कोविड सिचुएशन मतलब कोरोना से पहले फ़्लाइट कैसी होती थी और अभी कोरोना के बाद फ़्लाइट कैसी हो रही है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, क्या कुछ लगेगा। डॉक्यूमेंटेशन में अभी मैं जो कुछ भी जान पाया हूँ वो ऐसा है कि बोर्डिंग पास जो कुछ भी है, जैसा कि बोर्डिंग पास पहले आपको प्रिंटेड मिलता था, अभी रिकमेंड किया गया है कि आप प्रिंट करा लो अपने से, पहले से सेल्फ चेक इन मतलब वेब चेक इन मैंडेटरी कर दिया गया है। और बाकी जो कुछ भी होगा मैं आप लोगों को वहाँ पर जाकर बताऊँगा कि प्रिंटेड बोर्डिंग पास मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बाकी कोई कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, फ्लाइट के कॉस्ट थोड़े से बढ़े हुए हैं। तो अभी अभी जस्ट पहुँचे हम लोग अपने पहले रेस्ट स्टॉप जो कि है बोकारो। बोकारो को तो आप लोग मैक्सिमम जानते होंगे कि बोला जाता है स्टील सिटी, यहाँ पे स्टील बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। और बोकारो मेरे लिए भी थोड़ा बहुत खास है क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करता था तो यहीं से बोकारो से ही करता था अपने एंट्रेंसेस के लिए। बट देखो बोकारो आते ही पता चल रहा है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, विच मीन्स कि ठंड बहुत तगड़ी पड़ने वाली है भाई, इतने भी उलन से निकाल लो। तो यह है रांची का एयरपोर्ट, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और एयरपोर्ट के एंट्री से पहले ये भैया आपके बैग्स को सैनिटाइज करेंगे और आगे एक आंटी आपकी टेम्परेचर चेक करेगी। तो अब मैं हूँ एयरपोर्ट के अंदर पे और प्रोसेसर जो डिफरेंस हुए हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सैनिटाइजर एंड टेम्परेचर बॉडी चेक वो तो नॉर्मल बात है, देखा जाए तो यही चेंजेस हैं। और जो सबसे बड़ा दूसरा चेंज है, पहले सिक्योरिटी गार्ड्स आपके जो थे, पहले क्या होता था कि सिक्योरिटी गार्ड्स फिजिकली पकड़ के आपका चेक करते थे, बट अभी क्या है कि एक ग्लास पैनल दिया हुआ है, उसमें अपना बोर्डिंग पास और अपना फोटो आई डी प्रूफ दिखाओ तभी आपको जाने को मिलेगा, विदाउट मास्क नथिंग, एंट्री ही नहीं पूरे एरिया में। और मास्क ये नहीं कि मास्क आप उतार दो, मास्क आपको हमेशा पहन के रखना होगा, आप उतार नहीं सकते। सो फाइनली वेटिंग के बाद मेरे बोर्डिंग हो चुकी है। अब बताओ बोर्डिंग में मैं क्या क्या डिफरेंसेस हुए, जैसे कि मैं पहले से बता रहा था कि बोर्डिंग पास आप लोगों को प्रिंट करके लाना है। तो बोर्डिंग पास आप प्रिंट करके लाते हो वो एक्चुअली आपका गेट पास तरह का काम करता है, उसके बाद वो आपका गेट पास मतलब एज अ बोर्डिंग पास फेंक देंगे फाड़ के और आपको प्रिंटेड बोर्डिंग पास देंगे और आपका बैगेज ड्रॉप सेम रहेगा और साथ ही साथ एक किट देंगे। अभी मैं किट वो आप लोगों को दिखाऊंगा। वो किट में एक फेस शील्ड, सैनिटाइजर और मास्क दिया हुआ है। तो चलिए अब मैं थोड़ा पहले एयरपोर्ट को दिखाता हूँ। ये है रांची का एयरपोर्ट, ये सामने फूड हैंगर्स हैं, चार क्राफ्ट्स हैं और इधर 3 नंबर गेट और इधर 4 नंबर गेट है। मेरा गेट 5 नंबर है, मैं उधर बाद में जाऊंगा, इधर खाली था इसलिए शूट कर रहा हूं। तो भाई बोर्डिंग तो अब मैं बताता हूँ कि पूरे सिस्टम में कहाँ क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो जो मिडिल सेट में बैठेंगे उनको एक पीपी किट दिया जाता है, उनको पीपी किट का पहनना मैंडेटरी है फॉर प्रोटेक्शन। अब सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ी बात है, सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकती, पीपल्स को भी थोड़ा अवेयर होना चाहिए। कोई डिस्टेंस करने बोलता फिर भी डिस्टेंसिंग बहुत कोई तोड़ने की कोशिश करते, बट फिर भी बहुत अच्छी डिस्टेंसिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है। बस होपफुली लैंडिंग के टाइम पे एयर एशिया के कैप्टन्स फ्लैप 4 का इस्तेमाल करें, पता ही होगा आप लोग को। तो भाई अभी के सिचुएशन में ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि फ़्लाइट्स में अभी फूड्स नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, फ़्लाइट में आपको ऑन बोर्ड परचेज फूड नहीं मिलते, अगर आप प्री बुक करते हो तो आपको श्योर फूड्स मिलेंगे। तो मैं फाइनली लैंड कर गया दिल्ली पे।
पर यार कुछ बातें अजीब लगती है यार, कुछ लोगों को ना मतलब क्या बोलूँ, कुछ भी हो जाए मन में शांति नहीं रहती। मतलब मैं देख रहा था जैसे ही प्लेन लैंड हुई यार, जेट ब्रिज का गेट तक अटैच नहीं हुआ, लोग अपने सामान उतारने शुरू, लाइन लगाना शुरू, ये करना, सब भूल ही जाते कि सिचुएशन क्या चल रहा है। खैर वैसे में केबिन क्रू बहुत अच्छे थे, उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, कंट्रोल कर भी लिया। चलिए अब चलते हैं लेने बैगेज।